ठीक है और स्प्रिंग्स जो हैं इनमें टेंशन यहां बनाते हैं ये T1 और ये T टेंशन यहाँ पर है ठीक है तो मैं यहां पर सबसे पहले इक्वेशन बना सकता हूँ इक्वेशन जो बनेगी यहां पर जो है बैलेंस हो रहा है वो टू टी इक्वस टू एम जी के इक्वल है यहां पर अगर मुझे लिखना है टू टी की वैल्यू जो टेंशन है वो स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस हो रहा है तो यहाँ लिख सकता हूं मैं के एक्स तो मैंने लिखा यहां पर के इन टू एक्स की वैल्यू फोर सेंटीमीटर ये एक्सटेंड हो रहा है तो इसको फोर लिख दिया टू ये फर्स्ट इक्वेशन मुझे यहाँ मिल गई फोर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में वैल्यू थी मैंने इसको सेंटीमीटर में रखा है मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है अब देखें धर ध्यान से हमें बोला गया है कि जैसे ही आप यहां पर जो है करंट का फ्लो करते हैं तो करंट का फ्लो करने पर रॉड जो होगा उसमें करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी और अगर ऐसे करंट का फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर इनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर अगर रॉड पर फोर्स बनाया जाए तो करंट की डायरेक्शन में उन्हें फिंगर्स को रखा मैग्नेटिक फील्ड पाम इनवर्ड डायरेक्शन में है तो थम अपवर्ड डायरेक्शन आ रहा है फिर से देखें बेटा करंट राइट डायरेक्शन में फिंगर्स पाम इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो थम अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ इस रॉड पर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगा ठीक है ये मैग्नेटिक फोर्स और जैसे मैग्नेटिक फोर्स यहां पर एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये रॉड जो है वो वन सेंटीमीटर राइज कर जाती है मतलब वन सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो गई उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं टेंशन की वैल्यू भी चेंज हो गई अब नया टेंशन जो है वो टी डैश यहां पर टेंशन है ठीक है पहले देखें यहां पर स्प्रिंग्स जो है वो स्टेज हो रही थी अपना कितना फोर सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर अगर राइज कर गई इसका मतलब इस बार जो स्प्रिंग्स एक्सटेंड हो रही है वो आपकी थ्री सेंटीमीटर जो है वो एक्सटेंड हो रही है तो यहां पर जो इक्वेशन लिखूंगा इस बार इक्वेशन मिलेगी मुझे यहां पर टू टी डैश प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई एल बी और ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं किसे एम जी को बैलेंस कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर टी डैश की वैल्यू लिखते हैं तो वन सेंटीमीटर अगर ये राइज कर जाता है तो स्प्रिंग जो एक, आपका एक्सटेंड हो रही है वो ओनली थ्री सेंटीमीटर हो रही है तो इसे लिखता हूं मैं यहां पर के इंटू थ्री प्लस आई एल बी इक्वस टू एम जी ये सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को मैंने सेंटीमीटर में लिया है फोर सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप देखें इधर ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है तो ये लिखा है एट के इक्वस टू जी और सेकंड इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका सिक्स के प्लस आई एल बी टू एम जी इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किस और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे फोर से तो उस कंडीशन में जो वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पर ये तो माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल आउट होगा ठीक है इससे मल्टीप्लाई किया सबसे पहले इसे लिख देता हूँ तो ये आएगा माइनस फोर आई एल बी इक्वस टू फोर एम जी में से थ्री एम जी माइनस करूंगा तो माइनस एम जी कैंसिल आउट किया और अगर बी की वैल्यू लिखनी है तो बी इक्वस टू मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पर एम जी डिवाइड बाय फोर आई एल के इक्वल तो बी इक्वस टू एम की वैल्यू जो है वो टेन ग्राम है इसको मैंने के जी में लिखा तो थाउजेंड लिख दिया इंटू जी की वैल्यू टेन है नीचे लिखा फोर आई की वैल्यू ट्वेंटी इन टू लेंथ लिखनी है तो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड ऊपर होगा इसे अगर कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पर तो ये वैल्यू मिलेगी आपको बी इक्वस टू वन अपॉन टू हंड्रेड या फिर मैं लिख सकता हूँ बी इक्वस टू जो होगा वो होगा आपका यहाँ पर फाइव मिली टेस्ला के इक्वल ये मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ठीक है